हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं डबल का मीठा, जो कि ब्रेड का बनता है। ये जो है इंडिया या हैदराबाद का फेमस स्वीट डिश है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लेंगे ये ब्रेड। ये ब्रेड जो है नॉर्मल वाली ब्रेड से थोड़ी सी थिक साइज़ में कटी हुई है। हमारे यहाँ जो बाहर ब्रेड मिलती है वो बहुत ही थिन स्लाइस्ड होती है। आपको ये बेकरी पर मिलेंगी ऐसी वाली ब्रेड जो स्पेशली मीठे के लिए बनी होती है। हम लेंगे ऑयल एक कढ़ाई में और हम इसको हीट करेंगे। या तो आप ऑयल या फिर घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बट जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो घी वाला थोड़ा चिपचिप होने लगता है। तो हम जो है थोड़ा आधा ऑयल और आधा घी में डीप फ्राई करेंगे इन ब्रेड के स्लाइसेस को। मैंने जब ये ब्रेड का ब्रेड ली है, उसके मैंने साइड्स के जो हमारे क्रम्स होते हैं उसको हल्के से निकाल लिए हैं। ये मैंने एक ब्रेड स्लाइस में से चार पीस किए हैं, जो कि स्क्वायर शेप में होने। जैसे ही हल्का लाइट ब्राउन होते हैं हम उसको टर्न कर लेंगे, ताकि वो इवनली सब साइड से जो है अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राइट हो। ठीक है, इसका किस तरीके से हल्का हल्का कलर आ रहा है। आप इसको हाई फ्लेम पे ना फ्राई करें। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसका जो है ना अंदर वाला पार्ट जो है आपको थोड़ा सा फ्राई नहीं होगा और क्रिस्प नहीं होगा। और आप लोग जो है ना एकदम फ्रेश वाली ब्रेड भी ना लें। अगर काफ़ी फ्रेश ब्रेड होगी तो इसके जो है ना बारीक बारीक ब्रेड जो है ना ऑयल में छूटेगी, तो आपके जो है ना मीठा अच्छे से नहीं बन पाएगा। देखिएगा आप किस तरीके से हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर में हो रही है। मैंने उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में टर्न कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर इस तरीके का आपका गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको प्लेट में निकाल ले, या फिर कोई टिश्यू टॉवल पर भी निकाल सकते हैं। मैंने जो है एक फुल ब्रेड का मीठा बना रही हूँ। ये ब्रेड काफ़ी बड़ी होती है जो बेकरी से ली जाती है, तो इसीलिए मैंने जो है बड़ा वाला बर्तन लिया है इसके लिए, जिसको मैंने ऑयल को निकालने के लिए लिया है। देखिए किस तरीके से मैंने सारे फोर साइड्स को पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन किया है। कहीं से भी वाइट नज़र नहीं आ रहा है। जब अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे ना तो सारी गोल्डन ब्राउन रहेगी, क्योंकि वो अंदर डीप तक के फ्राई होगी। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो अच्छे फ्राई नहीं होगी। अभी हम रेडी करते हैं शुगर सिरप। हम लेंगे पानी, जो कि अबाउट 5 कप्स पानी होगा, और हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी भी जो है हमारे 4 कप्स चीनी होगी। हम इसमें डालेंगे कार्डमम, या तो आप इसको साबित डालिएगा या फिर चीनी से के साथ मिक्स करके उसको पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। मैंने अब सिर्फ कार्डमम के लिए जो है अगर पीसी ग्राइंडर में मिक्स करती हूँ तो अच्छे से बारीक नहीं होगा। अभी हम इसमें डाल रहे हैं ज़ाफ़रान या फिर केसर बोलिए, केसर के स्टिक्स डाला है मैंने। उससे देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया। अगर आपके पास केसर के स्टिक्स ज़ाफ़रान नहीं हो तो आप इसमें ऑरेंज कलर जो हमारा फूड कलर आता है वो भी ऐड कर सकते हो। जब तक हमारा शुगर सिरप रेडी होता है, मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को भिगो कर रखा है। मैंने इनको काट लेना है बिल्कुल ही बारीक थिन स्लाइस में। अभी यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जब अच्छे से पक रहा होता है हमारा शुगर सिरप, तब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो आपको इसमें खोया या फिर कलाकंद डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपका मिल्क होता है वो बिल्कुल खोए की तरह इसमें आ जाता है। इसको अच्छी तरह पकने दे, ताकि जो मिल्क की स्मेल होती है और शुगर की जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है वो पूरी तरह अच्छे से पक जाए। जब ये अच्छे से पकने लगे तो आप उस टाइम पर इसमें ब्रेड ऐड करना है। अभी हमारा ये अच्छे से पका नहीं है। देखिएगा अब ये किस तरीके से पक रहा है। जब आपका शुगर सिरप इस तरीके से पकने लगेगा, बॉयल होगा, इस समय पर आप अपने जो फ्राई की हुई ब्रेड है उसको इसमें डाल लें। देखिएगा आराम आराम से डालिएगा, एक साथ ना डालें, अपनी सेफ्टी के साथ डालिएगा। और जब आप ब्रेड डालोगे ना, इसको ज़्यादा मिक्स ना करें। अगर आप मिक्स करोगे ना तो ये सारे पीसेस जो है ना आपके सॉफ्ट होकर पूरा जो है ना मेल्ट हो जाए। देखिए अभी ये हमारा अच्छे से पक गया है। अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप रखते हुए भी इसको गैस को ऑफ करना है, क्योंकि जब आप स्टोव गैस ऑफ कर दोगे, ये जो ब्रेड है ना ये सारा शुगर सिरप आपका अब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ शुगर सिरप रखते हुए ही आपको
गैस को ऑफ कर देना है। एक 5 मिनट्स के लिए आपको इसको पकने देना है। जैसे ही आपको लगा कि बिल्कुल थोड़ा सा शुगर सिरप बाकी है, आप इसको ऑफ कर देना, तो आपकी जो ब्रेड होती है एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है। ये पीसेस ब्रेक नहीं होते हैं, अच्छी एकदम परफेक्ट बनता है आपका मीठा। अभी मैंने जो काजू और बादाम स्लाइस की है, मैंने इस पर गार्निश के लिए डाल रही हूँ, और हमारा जो मिल्क डाले थे वो धीरे धीरे खलाखन या खोए की तरह फॉर्म हो रहा है। अभी देखिए हमारा बिल्कुल मीठा रेडी है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ, देखिएगा मेरा मीठा कितना सुपर बना है। देख सकते हो मिल्क के कितने अच्छे से पार्टिकल्स आए हैं इस पर। मिल्क का मीठा बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।